गुड इवनिंग एवरीबॉडी. हेलो, विच क्लासेस टुडे? विच क्लासेस टुडे वी विल बी रीडिंग करंट अफेयर्स ऑफ जनवरी 2021 एंड कवरिंग इट इन टू लेक्चर्स. ओके, परितोष जी हाजिर हैं सर. नमस्ते, वेलकम राहुल. आरती प्रजापति, 2019 के भी करंट अफेयर्स पढ़ने हैं क्या? यार देखो, 12 मंथ्स तो एटलीस्ट पढ़ने ही होते हैं. ज़्यादा पढ़ सकते हो या पहले से अगर पढ़ा हुआ है, उस टाइम से पढ़ाई कर रहे हो तो वेल एंड फाइन. लेकिन अभी ये टाइम नहीं है कि फिर से तुम अभी ये टाइम नहीं है कि तुम नया स्टार्ट करो अपना 2019 का. अभी 20 और 21 ही पढ़ लो, वही काफ़ी है. ठीक है, ओके. तो ये काफी परमानेंट बच्चे यहाँ पर परमानेंटली टाइमली आ चुके हैं. दैट इज रियली नाइस. सेशन लाइक कर दो. निकिता इज सेइंग फेब के करंट अफेयर्स पीडीएफ में नहीं मिल रहा है. आई हैव नॉट सेंट इट इन द ग्रुप. मैं आज रात तक फेब के करंट अफेयर्स, मार्च के करंट अफेयर्स, जो मैंने क्लासेस ले ली अभी तक ऑब्वियसली, उनके पीडीएफ प्लस सुबह हमने जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था सुबह, द सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके पीडीएफ मैं सेंड कर दूंगी. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विद द क्लास बिना इसको ज्यादा लेट किए. हाँ, राज, थैंक यू सो मच. राहुल यू आर आस्किंग मैम पीटी पोस्टपोन नहीं होगा ना? यार मुझे तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं अंतर्यामी हूँ? मैं यहाँ बैठ के सब पता कर सकती हूँ. आई विश ऐसा होता और आई विश मैं तुम्हारे लिए चीज कर सकती, बट मैं नहीं कर सकती हूँ. माना मैंने कि सुपर वुमन वंडर वुमन हूं मैं, बट दिस इज नॉट पॉसिबल. जिनकी तैयारी नहीं है वो विश करेंगे कि यार पोस्टपोन हो जाए, जिनकी तैयारी है वो विश करेंगे कि यार पोस्टपोन ना हो. अब वो तो बाद में ही पता चलेगा समय आने पर. आई एम नॉट द करेक्ट पर्सन टू टेल यू दैट. ओके, यहाँ पे हम अभी होगा कि नहीं होगा पोस्टपोन वो बाद में देखेंगे. अभी हम लोग यहाँ पे फोकस कर लेते हैं. फोकस कर लेते हैं करंट अफेयर्स पे. जो करंट अफेयर्स हमको पढ़ने हैं, ये मेरा ईमेल आईडी है जहाँ पे आप डाउट्स पूछ सकते हैं, एंड दिस इज द टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आपको सारी पीडीएफ, पीपीटी एंड क्विजेस मिल जाएंगी. ओके, चलो ठीक है. सो हियर कम्स योर फर्स्ट क्वेश्चन. जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स हैं, एमपीपीएससी रिलेटेड हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्रीज स्पेस एजेंसी हैज रिसेंटली अप्रूव्ड टू सन एक्सप्लोरेशन हीलियो फिजिक्स मिशंस? कौन सी कंट्री की स्पेस एजेंसी ने रिसेंटली अप्रूव किए हैं टू सन एक्सप्लोरेशन हीलियो फिजिक्स मिशन? हीलियो फिजिक्स क्या होता है? सन एक्सप्लोरेशन हीलियो फिजिक्स मिशन किस कंट्री की स्पेस एजेंसी ने किया है? इज इट इंडिया, यूएसए, रशिया या चाइना? चार ऑप्शन में से क्या है इसका आंसर? हेलो अनुराग, पहला क्वेश्चन आया है और आप पधार गए हैं. दैट्स रियली नाइस. अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन. विच कंट्रीज स्पेस एजेंसी हैज रिसेंटली अप्रूव्ड टू सन एक्सप्लोरेशन हीलियो फिजिक्स मिशंस? द आंसर टू दिस इज यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स की स्पेस एजेंसी, यानी कि नासा. नासा की बात हो रही है यहाँ पे. ओके, नासा की बात कर रहे हैं. इट हैज अनाउंस्ड कि उनने दो सन एक्सप्लोरेशन हीलियो फिजिक्स मिशंस को अप्रूवल दे दिया है. अब ये हीलियो फिजिक्स क्या होता है? आदों को तो यही नहीं समझ में आएगा. हीलियो फिजिक्स क्या होता है? हीलियो फिजिक्स इज द साइंस ऑफ फिजिकल कनेक्शंस बिटवीन सन एंड सोलर सिस्टम. तो सन और पूरे सोलर सिस्टम के बीच के फिजिकल कनेक्शंस को, उनके बीच क्या कनेक्शन है, उसको पढ़ने के लिए यू हैव दिस हीलियो फिजिक्स. उसको हीलियो फिजिक्स बोला जाता है. ओके, यहाँ पे मिशन, अगर इसके बारे में और डिटेल में पढ़ना है तो यहाँ देख सकते हो कि मिशन इंक्लूड्स नासा लेड इलेक्ट्रोजेट जीमैन इमेजिंग एक्सप्लोरर एंड जापान लेड एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट हाई थ्रूपुट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेलीस्कोपिक एप्सिलॉन मिशन. इतना लंबा नहीं याद हो पाएगा. तो नासा का EZIE एंड जापान लेड EUVST, दैट्स इट. और सबसे इंपॉर्टेंट तो अभी यही है, इस पे फोकस कर लो कि टू सन एक्सप्लोरेशन हीलियो फिजिक्स मिशन जो है वो यूएसए के आए. ओके, Somebody had asked me a question regarding robotics की क्लास होगी क्या? यार एक काम करते हैं, नेक्स्ट प्रीलिम्स है ना, उसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर देते हैं. बिकॉज तुम लोग तो मुझे
हर एक चीज पढ़ा के कि एक चीज आप हर चीज पढ़ा दो, मैं दिन भर भी अगर तुमको पढ़ा दूं यहाँ बैठ के तो भी अभी इतना टाइम नहीं है कि इस पे, इन सारी चीजों पे हमको फोकस करना चाहिए। कोशिश करो खुद से पढ़ने की कुछ कुछ चीजें, लेकिन अभी सबसे ज्यादा रिविजन और एमसीक्यू उस पर फोकस करो। डोंट फोकस ऑन द टॉपिक्स जो छूट गए हैं, जो छूट गया वो गया, जो बीत गई सो बात गई। ओके, अभी उसको पकड़ने का कोई मतलब नहीं है। इतना समझ आया? द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो नासा का हीलियो फिजिक्स रिसर्च मिशन के लिए यहाँ पे एक चित्र डाल दिया गया है। ये चित्र इसलिए डाल दिया गया है ताकि तुम्हें याद रहे, इसको पढ़ने की कोशिश मत करना, डू नॉट ट्राई दिस एट होम। नासा हीलियो फिजिक्स रिसर्च मिशन की बात करें, यहाँ पे ये चित्र डाला गया है ताकि आपको कुछ चीजें इसमें याद हो जाए। ओके, आप हीलियो फिजिक्स अगर देखा जाए, हीलियो फिजिक्स रिसर्च मिशन तो किसका था, तो इसरो लगा के मत आना, नासा की बात हो रही है, यूएस स्पेस एजेंसी, यूएस स्पेस एजेंसी की बात हो रही है। ओके, नेक्स्ट, विच एप्लीकेशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री टू कनेक्ट विद इंडियन डायस्पोरा। इंडियन डायस्पोरा यानी कि जो भारतीय प्रवासी, प्रवासी भारतीय जो होते हैं, जो बाहर चले गए हैं, जो बाहर जाके रहते हैं, दैट इंडियन डायस्पोरा, जैसे हम देखते हैं ना कि कनाडा में, यूएसए में, सॉरी कनाडा नहीं, कनाडा में, यूएसए में ये सारे जो इंडियंस वहां जाके रहने लगे हैं, तो वहां का जो इंडियन डायस्पोरा है उसको कनेक्ट करने के लिए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। उस एप्लीकेशन का नाम क्या है? इज इट भारत कनेक्ट, भारत से कनेक्ट करने के लिए उनको वापस, इज इट ग्लोबल प्रवासी रिश्ता, हिंदुस्तान हमारा, या भारत कम्युनिकेट, इन चारों में से क्या है वो एप्लीकेशन का नाम? यस अभय, सिकेश, निधि एंड तान्या, इट इज करेक्टली द ग्लोबल प्रवासी रिश्ता। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, पहले तो वो लोग बाहर रह रहे हैं ना, उनके साथ रिश्ता बनाने के लिए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जाएगी, यहाँ से डिफेंस मिनिस्ट्री को तो भेजेंगे नहीं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ये ग्लोबल प्रवासी रिश्ता, ये पोर्टल एंड एप्लीकेशन है टू कनेक्ट विद इंडियन डायस्पोरा अक्रॉस द वर्ल्ड। ओके, ये चीज हो गई। वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके पहले एक ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल देख लो, चित्र इसलिए डाला गया है कि कुछ लोगों को याद रह जाए यार कि उसका नाम ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल था। नेक्स्ट, जूको 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 वैली, जूको वैली विच रिकॉर्डेड अ मैसिव वाइल्ड फायर, ये एक वैली जहां पे रिसेंटली एक बहुत ज्यादा आग लगी थी, वाइल्ड फायर हुई थी। इट इज लोकेटेड ऑन विच बॉर्डर, आधे लोगों को तो पहले ये पता ही नहीं होगा कि यहाँ पे कोई फायर लगी थी। अब मान लो जिनको पता है तो ये बता, उनको ये पता होगा कि वो नॉर्थ ईस्ट में है। अब क्वेश्चन देख के उनको रियलाइज हुआ कि अरे यार ये तो दो स्टेट जानना जरूरी था, तो ये बॉर्डर बताइए कि ये कौन से बॉर्डर पे ये वैली है। इज इट मणिपुर नागालैंड, असम मणिपुर, मणिपुर सिक्किम, या असम मेघालय? जूको वैली। कमान कमान कमान, जल्दी जल्दी आंसर दो। और अगर कुछ लोग बिना मतलब समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे क्या चल रहा है, तो मगर इतना ही देख लेते कि नॉर्थ ईस्ट में कहीं है, तो ये क्वेश्चन तो अटेम्प्ट नहीं कर पाते, इसलिए एग्जैक्ट उसकी लोकेशन जानना जरूरी है। आधे बोल रहे हैं बी, आधे बोल रहे हैं ए, समा सिंह डी, द आंसर टू दिस इज मणिपुर नागालैंड, मणिपुर और नागालैंड। सो रिसेंटली एक वाइल्ड फायर हुई थी यहाँ पे जूको वैली में, एक पॉपुलर ट्रैकिंग डेस्टिनेशन है कहाँ पे, मणिपुर और नागालैंड की बॉर्डर में। पहले तो नॉर्थ ईस्ट का मैप आधे लोगों ने देखा नहीं होगा, जिन लोगों ने देखा होगा उनको यही नहीं पता होगा कि मणिपुर कहाँ है, नागालैंड कहाँ है। हार्डली 10-12 लोग होंगे जिनको ये पता होगा कि यार मणिपुर कहाँ है, नागालैंड कहाँ है। नॉर्थ ईस्ट के मैप को देख के पढ़ने की, याद रखने की कोशिश किया करो। ओके, ये देखो, ये है आपका यहाँ पे बांग्लादेश हो गया, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन है, इसमें इधर आंध्र प्रदेश है, यू हैव असम हियर, ये है मेघालय, ये है त्रिपुरा, ये है मिजोरम, ये है मणिपुर, एंड दिस इज नागालैंड। तो नागालैंड और मणिपुर की बॉर्डर में आपकी ये जूको वैली है, आपकी जूको वैली यहाँ पर है, नागालैंड और मणिपुर के बीच का ये वाला जो जो बॉर्डरिंग एरिया है उसमें आपकी जूको वैली है। इतना समझ आ गया तो कूल करो, आगे बढ़ते हैं। इतना समझ आ गया तो बताओ, कूल करो, आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, सिक्किम
CSIR NIIST, CSIR और NIIST, which has discovered an alternative technology to single use plastic. पहले तो ये देखो कि CSIR और NIIST ने एक ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी लाई है फॉर सिंगल यूज प्लास्टिक. इनने ये जो चीज डिस्कवर करी है, इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? दे हैव डिस्कवर्ड एन ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी टू सिंगल यूज प्लास्टिक. इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? किस स्टेट में ये लोकेटेड है? इज इट गुजरात, तमिलनाडु, केरला या तेलंगाना? CSIR NIIST, CSIR NIIST. इट इज करेक्टली केरला. समबडी सेड इट वॉज प्राची हु सेड केरला. CSIR और NIIST का फुल फॉर्म देखो पहले तो, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटर डिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी. इसने एक ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी, ऑल्टरनेटिव को क्या बोलते हैं, मतलब ये नहीं तो दूसरा, ऑल्टरनेट होना चाहिए हमारे पास एक, तो ये ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी टू सिंगल यूज प्लास्टिक ये लेकर आए हैं. एंड दिस हैज बीन लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ केरला. केरला में है ये, केरला में लोकेटेड है. ओके, मूव टू द नेक्स्ट वन. कोविशील्ड, यार ये तो इंपॉर्टेंट है, कोरोना रिलेटेड क्वेश्चंस तो कहीं पे भी कहीं ना कहीं से आ ही सकते हैं. आई एम सॉरी फॉर शोइंग यू द आंसर नाउ. कोविशील्ड की बात करें, द फर्स्ट वैक्सीन टू गेट इमरजेंसी यूज नॉड फ्रॉम DGCI. DGCI का फुल फॉर्म पता है? DGCI से नॉड मिलने के बाद कोविशील्ड बिकेम द फर्स्ट वैक्सीन टू गेट इमरजेंसी यूज नॉड. ओके, एंड तो अब हमें ये बताना है कि कोविशील्ड जो है दैट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय विच कंपनी? भारत बायोटेक है, सीरम इंस्टीट्यूट है, बायोकॉन है या डॉक्टर रेड्डीज लैब है? कोविशील्ड की बात कर रहे हैं. कोविशील्ड इट इज करेक्टली. अभय यू आर सेइंग इट रॉन्ग, अदरवाइज बाकी सबने बहुत सही आंसर दिया है. सिकेश नो, इट इज द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. इट इज द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. SII इज द आंसर. कोविशील्ड इज द वैक्सीन कैंडिडेट. वैक्सीन कैंडिडेट है कहाँ का? SII, पुणे बेस्ड SII का वैक्सीन कैंडिडेट. एंड इट हैज बीन अप्रूव्ड बाय DGCI, DCGI, डायरेक्टर कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया. ओके, इसकी बात हमने देख ली यहाँ पे. एंड दूसरी चीज, आपको ऑक्सफर्ड की एस्ट्राजेनेका जो वैक्सीन है ये ध्यान रखना है कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की अगर बात हो रही है तो आपको पता होना चाहिए, इट इज नॉट भारत बायोटेक, इट इज नॉट SII, इट इज ऑक्सफोर्ड, इट इज ऑक्सफोर्ड. ओके, वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग अप. दीपोर बिल विच वॉज सीन इन न्यूज रिसेंटली, इट इज द ओनली रामसर साइट ऑफ विच स्टेट? ओनली रामसर साइट पूछा है, मतलब इस स्टेट में ये अकेली एकमात्र आपकी रामसर साइट है. रामसर साइट्स पता है कि नहीं पता है? रामसर कन्वेंशन पता है कि नहीं पता है? इससे याद आया कि मुझे तुम लोगों को कन्वेंशन भी पढ़ाना है. तो रामसर कन्वेंशन की बात हुई, रामसर कन्वेंशन ऑफ द ईयर आई थिंक इट वॉज 1971. एज फार एज आई रिमेंबर इट वॉज 1971. एंड रामसर इज अ सिटी इन ईरान, राइट? इज इट अ सिटी इन ईरान? ईरान की एक सिटी है. ईरान का ये, ईरान में ये रामसर कन्वेंशन हुआ था, 1971 में हुआ था. द आंसर टू दिस इज करेक्टली असम. द आंसर टू दिस इज करेक्टली असम. ओके, ये देखो, दीपोर बिल इज द ओनली रामसर साइट ऑफ द स्टेट ऑफ असम एंड इज लोकेटेड इन द साउथ वेस्टर्न एज ऑफ गुवाहाटी. साउथ वेस्टर्न एज ऑफ गुवाहाटी. ओके, यहाँ पे देख लो, इस मैप को देख लो. जब अगर लेक्चर खत्म हो जाने के बाद इस पर वापस आके एक बार देखना, ये आपके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रामसर साइट्स हैं. ये आपका भोज वेटलैंड इन मध्य प्रदेश हो गया, भोज वेटलैंड. अगर भोपाल जाओगे कभी तो भोपाल जाना, एक बार देखना कि वहां पे जो भोज वेटलैंड के यहाँ पे नाम से जाना जाता है, भोपाल के आधे लोगों को पता ही नहीं होगा कि वो भोज वेटलैंड है. ठीक है, वो तुम्हें बड़ी झील छोटी झील करके घुमाने लगेंगे. सो दिस हियर इज अ मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, इसलिए ज्यादा फोकस कर रही हूँ, भोज वेटलैंड की बात होती है. अदरवाइज सी हियर, दिस इज असम. असम में आपका दीपोर बिल की बात हो गई. ये अभी हमने मणिपुर देखा था,
लोकटक लेक इन मणिपुर, लोकटक लेक इन मणिपुर, ओके। ये सारे आपके कुलेरू लेक, ये यहाँ साउथ के क्या क्या हैं, कियोलादियो नेशनल पार्क, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। यस राहुल, आई नो द मैप इज नॉट अपडेटेड, आई डेफिनेटली नो दैट द मैप इज नॉट अपडेटेड। यहाँ पे और भी आपकी शायद यूपी वगैरह में और साइट्स आई हुई हैं, आई नो इट इज नॉट अपडेटेड, लेकिन यहाँ पे मुझे दीपोर बिल दिखाना था मेनली, इसलिए यहाँ डाला हुआ है, ओके। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज पार्टनर्ड विद सिडबी? सिडबी के साथ किस कंपनी ने पार्टनर किया है टू टू प्रोवाइड फाइनेंस स्कीम टू एमएसएमईज इन रूफटॉप सोलर सेगमेंट? सबसे पहले तो सिडबी के साथ किसने पार्टनर किया है, काय के लिए पार्टनर किया है? टू फाइनेंस अ स्कीम टू एमएसएमईज, एमएसएमईज के लिए ये फाइनेंस करने के लिए। और कौन सी स्कीम की बात हो रही है? टू प्रोवाइड फाइनेंस स्कीम टू एमएसएमईज इन रूफटॉप सोलर सेगमेंट, रूफटॉप के सोलर सेगमेंट से रिलेटेड बात करी जा रही है। तो किस कंपनी ने पार्टनर किया है सिडबी के साथ? इज इट टाटा पावर, इज इट महिंद्रा एंड महिंद्रा, एलएनटी या अशोक लेलैंड? द आंसर टू दिस इज टाटा पावर, टाटा पार की बात हो रही है। टाटा पार हैज पार्टनर्ड विद सिडबी टू प्रोवाइड अ फाइनेंस स्कीम, एक फाइनेंस स्कीम प्रोवाइड करने के लिए। यार बैंक से, बैंक के साथ पार्टनरशिप करी है ना टाटा पावर ने, सिडबी मतलब स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, राइट? तो बैंक के साथ पार्टनरशिप करी है, तो इट वुड बी समथिंग रिलेटेड टू फाइनेंस। तो ये टू प्रोवाइड अ फाइनेंस स्कीम, फाइनेंस के स्कीम को प्रोवाइड करने की बात करी जा रही है। अब ये किसको प्रोवाइड करना है? दिस इज टू बी प्रोवाइडेड टू एमएसएमईज, काय के लिए प्रोवाइड करना है? इट इज फॉर द रूफटॉप सोलर सेगमेंट, ओके, रूफटॉप सोलर सेगमेंट्स के लिए। तो एमएसएमईज इसके थ्रू विल बेनिफिट एंड दे विल बी एबल टू गेट फाइनेंशियल एड, यहाँ पे एमएसएमईज को फाइनेंशियल एड मिल जाएगा, एंड दिस वुड बी विदाउट एनी कोलैटरल। कोलैटरल मतलब बिना कुछ कैसे समझाऊं, कोलैटरल बिना कुछ गिरवी रखे हुए टाइप समझ लो, एंड एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ लेस देन 10%, ओके। सो आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि टाटा पावर ने सिडबी के साथ एक फाइनेंस स्कीम के लिए फॉर एमएसएमई सेक्टर्स इन द फील्ड ऑफ रूफटॉप सोलर सेगमेंट ये पार्टनरशिप करी है, ओके। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट यू हैव उजाला एंड SLNP, जिसको इसका फुल फॉर्म ही पता है ना वो यहाँ पे अच्छे से तुक्का लगा सकता है, द स्मार्ट तुक्का। तो उजाला एंड SLNP स्कीम्स विच हैज कंप्लीटेड 6 ईयर्स, जिसने 6 साल कंप्लीट करे हैं, दिस हैज बीन इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री? मतलब उजाला और SLNP स्कीम जो है ये कौन सी मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट कर रही है, ये कौन सी मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट कर रही है? दिस इज, बताओ बताओ बताओ, और इन दोनों का फुल फॉर्म भी पता है कि नहीं पता है ये बताओ। दिस इज योर मिनिस्ट्री ऑफ पावर, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी अंकल, मोदी अंकल ने लॉन्च किया उजाला। क्या है? उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल, दिस इज योर उजाला। एंड SLNP क्या हुआ? स्ट्रीट लाइटनिंग नेशनल प्रोग्राम, ये 2015 में आया था, इसको 5-6 साल हो चुके हैं। अच्छा, क्वेश्चन में ही पूछा था कि 6 साल हो चुके हैं इनको, तो दिस इज रिलेटेड टू स्ट्रीट लाइटनिंग, और ये उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल। तो यहाँ पे LEDs की बात हो रही है और दूसरी जगह स्ट्रीट लाइट की बात हो रही है, ओके। तो ये जो दो प्रोग्राम्स हैं, दीज टू प्रोग्राम्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाई EESL, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है उल्टे तरीके से। तो EESL इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये EESL क्या है? इट इज अ ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंट वेंचर है मतलब किसका ज्वाइंट वेंचर है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ओके। तो आपको EESL याद रखना है, उजाला का फुल फॉर्म याद रखना है, SLNP का फुल फॉर्म याद रखना है, एक आपकी LEDs फॉर ऑल, अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल है, और दूसरा स्ट्रीट लाइटनिंग नेशनल प्रोग्राम है, ठीक है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हो गई, एक EESL को बिल्कुल मत भूलना, बिल्कुल याद रखने की जरूरत है। और इसका आंसर उजाला एंड SLNP स्कीम कौन इंप्लीमेंट करता है? इट इज योर मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ पावर इज द करेक्ट आंसर, ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन,
IRDAI इज टू इंट्रोड्यूस स्टैंडर्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, एक स्टैंडर्ड इंश्योरेंस पॉलिसी इंट्रोड्यूस करने की बात करी गई है टू कवर द रिस्क ऑफ फायर, जो रिस्क इंश्योरेंस काई के लिए होता है। तो यहाँ पे जो कुछ रिस्क कवर किए जाते हैं उसमें इस पॉलिसी से रिलेटेड बात हो रही है कि इट वुड कवर द रिस्क ऑफ फायर एंड एलाइड थ्रेट्स, फायर और उससे मिलते जुलते थ्रेट्स की बात हो रही है। तो ये किस सेक्टर से रिलेटेड है, किस सेक्टर में आग से रिलेटेड बात करी जा रही है? इज इट ऑटोमोबाइल, इज इट हाउसिंग, इज इट हेल्थ और इज इट एग्रीकल्चर? कौन से सेक्टर से रिलेटेड बात हुई जा रही है IRDAI की, बताया जाए। बताओ बताओ जल्दी बताओ। बी हो गया, ए हो गया, डी हो गया, सी भी बोल दो, सी भी बोल दो। कुछ हाउसिंग वाले हैं, कुछ खेत में आग लगा रहे हैं, कुछ गाड़ियों में आग लगा रहे हैं, हॉस्पिटल में कोई आग नहीं लगा रहा है। लगा दी निधि ने लगा दी हॉस्पिटल में आग। ओके, द आंसर टू दिस इज हाउसिंग। हाउसिंग की बात हो रही है। सबसे पहले तो IRDAI का फुल फॉर्म देख लो, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस सेक्टर की जो आपकी रेगुलेटरी बॉडी है दैट इज IRDAI, दैट इज IRDAI। ओके, इट इज सेट टू इंट्रोड्यूस अ स्टैंडर्ड होम इंश्योरेंस पॉलिसी। अभय यादव हैज वेरी करेक्टली, बहुत अच्छे से पढ़ा है तुमने करंट अफेयर्स, इट सीम्स लाइक दैट। सो इट हैज नेम द भारत गृह रक्षा, भारत गृह रक्षा, द पॉलिसी एम्स टू कवर द रिस्क ऑफ फायर। फायर से रिलेटेड रिस्क को यहाँ पे इंश्योरेंस लाने की बात भारत गृह रक्षा करता है, विच इज फॉर लाइक गृह है तो हाउसिंग से रिलेटेड ही होगा ना। तो यहाँ पे इसका आंसर IRDAI जो है ये फायर के रिस्क को कवर करने के लिए जो पॉलिसी ला रहा है अपनी, दैट इज रिलेटेड टू योर हाउसिंग सेक्टर, दैट इज रिलेटेड टू योर हाउसिंग सेक्टर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द रीसेंट स्टेटमेंट ऑफ नीति आयोग, देखो मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ बिकॉज वी ऑल्सो हैव टू डू साइंस एंड मे बी उमंग सर वुड ऑल्सो टेक क्लास इन द इवनिंग, और तुम लोग की दो क्लासेस वो होंगी, फिर एक क्लास मुझे क्योंकि करंट अफेयर्स और पढ़ाना है, देन आई ऑल्सो हैव टू टीच यू बायोलॉजी, तो काफी सारी क्लासेस हैं, तो हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। एज पर द रीसेंट स्टेटमेंट ऑफ द नीति आयोग, विच कंट्री इज द बिगेस्ट गेनर आफ्टर पैंडेमिक इकोनॉमिक सिचुएशन, आफ्टर द पैंडेमिक इकोनॉमिक सिचुएशन। तो पैंडेमिक के बाद जो इकोनॉमिक सिचुएशन आई है उसमें सबसे ज्यादा गेन, द बिगेस्ट गेनर कौन रहा है अक्रॉस ऑल द कंट्रीज, विच कंट्री हैज बीन, ऐसी एक कंट्री जो इन सब में बिगेस्ट गेनर रही है, और ऐसा किसने बोला है, एक स्टेटमेंट दिया था नीति आयोग ने, इज इट इंडिया, चाइना, यूएस, रशिया? तो इंडिया तो नहीं ही होगा, हमारी हालत तो इतनी खराब हो चुकी है इकोनॉमी की आफ्टर द पैंडमिक, तो इंडिया तो इज डेफिनेटली नॉट अ गेनर, तो बिगेस्ट गेनर तो भूल ही जाओ। ओके, इज इट चाइना? एवरीबडी इज सेइंग चाइना। प्रियंका, इट्स नॉट यूएसए, इट इज चाइना। यहां से इनने ये इसीलिए शुरू किया कि ये बिगेस्ट गेनर बन जाए, ऐसे याद रखो। कोरोना इनने इसलिए शुरू किया कि बाय द एंड कोरोना जब तक जाता है तब तक ये बिगेस्ट गेनर बन जाए। ओके, आगे, विच इंडियन सिटी हैज द मैक्सिमम सीसीटीवी कवरेज अकॉर्डिंग टू रीसेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड इन साउथ एशिया जर्नल? ओके, विच इंडियन सिटी हैज द मैक्सिमम सीसीटीवी कवरेज? कौन सी इंडियन सिटी है, बताया जाए, जिसने रीसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, साउथ एशिया जर्नल की एक रीसेंट रिपोर्ट के बाद ये बताया गया है कि यहाँ पे मैक्सिमम सीसीटीवी कवरेज है? पता था मुझे आधे लोग मुंबई बोलेंगे, बड़ा सेफ लगता है क्या? और दिल्ली कोई भी नहीं बोलेगा, देखना दिल्ली कोई भी नहीं बोलेगा, और मे भी बोल भी सकते हैं ये सोच के कि यहाँ पे क्राइम रेट ज्यादा है तो यहाँ पे सबसे ज्यादा सीसीटीवी होंगे, तुक्के किसी भी तरीके से लगाए जा सकते हैं। ओके, द आंसर टू दिस इज, जो किसी ने नहीं बोला है, इट इज चेन्नई, इट इज चेन्नई। सो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट पब्लिश्ड इन साउथ एशिया जर्नल, इसके अकॉर्डिंग चेन्नई हैज द मैक्सिमम सीसीटीवी कवरेज, सबसे ज्यादा सीसीटीवी कवरेज पर स्क्वायर किलोमीटर एंड पर 1000 पॉपुलेशन, पर स्क्वायर किलोमीटर और पर 1000 की पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा सीसीटीवी कवरेज है चेन्नई में। ओके,
नेक्स्ट, जापानीज रिसर्चर्स हैव प्रपोज टू यूज विच मटेरियल टू एलिमिनेट स्पेस जंक. सबसे पहले तो स्पेस में कितना कचरा हो रखा है, हम लोगों ने ये धरती को तो छोड़ा नहीं है, अब हम लोग स्पेस में भी कचरा फैला रहे हैं. तो स्पेस जंक को खत्म करने की, स्पेस के कचरे को खत्म करने की बात अगर करें, एलिमिनेट करने की बात करें, तो जापान के रिसर्चर्स ने कुछ टेक्नोलॉजी, कुछ तरीका प्रपोज किया है. अब इस तरीके में इनने क्या प्रपोज किया है, दे हैव प्रपोज टू यूज विच मटीरियल, किस मटीरियल को यूज किया जाएगा टू एलिमिनेट स्पेस जंक. वुड इट बी ऑक्सीजन, वुड इट बी नाइट्रोजन, वुड इट बी वुड और सिलिकन, इसमें से क्या होगा स्पेस जंक को एलिमिनेट करने के लिए. टिलन स्वाति इज आस्किंग मैम, साइंस पीडीएफ इज नॉट इन टेलीग्राम. आई नो, थोड़ा सा टाइम दिया करो यार, कैसे दिन भर पढ़ना पढ़ाना, ये इट इज टाइम टेकिंग. आई विल सेंड इट टू यू रात, तुम्हारे सोने से पहले रात को ना भेज दूंगी पक्का. ओके, पक्का भेज दूंगी. प्राची की भी तैयारी अच्छी चल रही है इट सीम्स. द आंसर इज वुड. स्पेस रिसर्चर्स ऑफ जापान आर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ यूजिंग वुडन कॉम्पोनेंट्स को यूज करने की पॉसिबिलिटी के बारे में ये देख रहे हैं, सोच रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, टू रिड्यूस द एक्सेस स्पेस जंक कचरे को वहां पे स्पेस में कम करने की बात के लिए ये लोग वुडन कॉम्पोनेंट्स को यूज कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज इशूड अ स्टेटमेंट ऑन क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2020. किस ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्टेटमेंट इशू किया है क्लाइमेट ऑफ इंडिया से रिलेटेड इन 2020. काफी वेग सा क्वेश्चन है ये, बट वी डोंट हैव, ऐसी कमी नहीं होती है एमपीपीएससी में कि हमें वेग से क्वेश्चन ना मिले. ओके, इसका आंसर बताओ. यार क्लाइमेट ऑफ इंडिया से रिलेटेड है तो मेरे हिसाब से डीआरडीओ तो नहीं होगा, डिफेंस रिलेटेड तो चीजें नहीं होंगी, राइट? क्लाइमेट ऑफ इंडिया से इट कैन बी आईएमडी, इट कैन बी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, इट कैन ऑल्सो बी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल स्टडीज, लेकिन डीआरडीओ तो प्लीज मत लगा के आना. ओके, इतनी स्टूपिडिटी मत करके आना. समा सेइंग सी एंड समा सेइंग ए. ओके, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज भी तुम लोगों ने हटा दिया है. द आंसर करेक्टली इज आईएमडी, इंडियन मेटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट. इसने एक स्टेटमेंट रिलीज किया है ऑन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2020. ओके, और ये स्टेटमेंट क्या कहता है, ये स्टेटमेंट और क्या कहता है, इट सेज द एनुअल मीन लैंड एयर सरफेस टेम्परेचर. 2020 का जो एनुअल यानी कि सालाना मीन टेम्परेचर, मीन लैंड का सरफेस एयर टेम्परेचर जो था, That has been above normal. अब तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग आगे के जितने भी साल होंगे ना, सब में ये अबव नॉर्मल ही चीजें देखेंगे. इसमें कुछ ना कुछ अतरंगी ही हो रहा होता है. बारिश हो रही है, कौन सा सीजन है बारिश होने का, कौन सी, कभी भी हो जाती है. सो क्लाइमेट चेंज जो है काफी ज्यादा चेंजेस यहाँ पर लेकर आ रहा है. तो हमने ये देखा कि अबव नॉर्मल, और यहाँ पे देखो 2020 वॉज ऑल्सो नेम्ड एज द 8th वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड. ओके, तो आईएमडी हो गया आपका इसका आंसर, द ऑर्गेनाइजेशन दैट इशूड अ स्टेटमेंट ऑन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2020. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, थाई पूसम की अगर बात करें, इट इज अ रिलीजियस फेस्टिवल. ये एक, सबसे पहले तो जिनको क्वेश्चन, जिनको इसका आंसर नहीं पता होगा उनको पहले क्वेश्चन में ये भी बता देते हैं कि भाई एक रिलीजियस फेस्टिवल है, दिस इज अ फेस्टिवल. ओके, अब दिस इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट. नाम से बोलोगे साउथ इंडिया का हो सकता है थाई पूसम, तो आंध्र, तमिलनाडु, उड़ीसा और कर्नाटका, इसमें दिस इज द रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट, बताओ. The answer to this is Tamil Nadu. People of Tamil Nadu celebrate Thai Pusam festival. Thai Pusam festival यहाँ पे मनाया जाता है and this is dedicated to Tamil god Murugan. Okay? और ये कब मनाया जाता है? Celebrated on a full moon month of January. Full moon month होना चाहिए. ठीक है, Thai Pusam तमिलनाडु, तीन चार बार बोल लो याद हो जाएगा. ओके, क्योंकि क्या होता है हम लोग कई बार नाम से तो समझ में आ जाता है कि यार ये साउथ इंडिया का हो सकता है या ये मे बी नॉर्थ ईस्ट इंडिया का हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में तुम्हें सारे, एटलीस्ट चार में से तीन ऑप्शन तो तुम्हें
वैसे ही मिल जाएंगे जो कंफ्यूज कर देंगे. ओके, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली डिप्लॉयड इट्स ऑल विमेन टीम फॉर कंटिजेंसी ड्यूटीज? कंटिजेंसी मतलब मे बी समझ लो एमरजेंसी रिलेटेड. ओके, एमरजेंसी रिलेटेड ड्यूटीज की अगर हम बात कर रहे हैं तो कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने ऑल ऑल विमेन टीम यहाँ पे डिप्लॉय करी थी? वॉज इट CAPF, वॉज इट ITBP, NDRF या फिर CISF? इन चारों में से विच इज द करेक्ट आंसर? समबडी हैड आस्क्ड अभी IMD के बारे में कुछ, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर्स इन बैंगलोर. नूपुर? नो, आई थिंक दे आर इन दिल्ली, दे आर नॉट इन बैंगलोर. द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर इज इन दिल्ली. ओके, सो ये CAPF, ITBP, NDRF एंड CISF की बात कर ली. द आंसर टू दिस इज लगा लो CISF, लगा लो ITBP, लगा लो, सब बोल लो, बट आई हैव टू पीपल करेक्टली आंसरिंग इट. इट इज NDRF, इट इज नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड. यहाँ पे NDRF जो है, आई एम सो सॉरी, दिस इज नॉट सपोज टू बी फंड, दिस इज सपोज टू बी फोर्स. NDRF, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, ये जो NDRF है ये इसने डिप्लॉय करी है कंटिजेंसी ड्यूटीज के लिए, मतलब इमरजेंसी ड्यूटीज के लिए ऑल फीमेल टीम, ऑल वुमेन टीम को डिप्लॉय किया गया है. और कहाँ पे किया गया है? उत्तर प्रदेश में किया गया है. स्पेसिफिकली देखना चाहो तो ये लोग गंगा वंगा के आसपास है. ओके, तो NDRF है इसका आंसर. इमरजेंसी ड्यूटीज के लिए ऑल वुमेन टीम आपकी NDRF लेकर आया है. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया? लासी रिपोर्ट, लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया, समथिंग, दिस इज समथिंग. या देखो, हर चीज को ना जानना जरूरी नहीं है, मतलब कुछ स्मार्ट गेस वर्क भी होता है, कुछ एकदम रैंडम तुक्के भी कभी कभी सही हो जाते हैं, चलो उसकी बात तो नहीं करते हैं, लेकिन कुछ स्मार्ट तरीके से गेस करना भी इंपॉर्टेंट होता है. लॉन्गिट्यूड एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया, चलो मुझे भी नहीं पता ये क्या है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया, बट दिस इज, ये लासी बोल दिया, एजिंग से रिलेटेड है, दिस इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू एजिंग. चलो पहले तुम लोग इसको अटेम्प्ट कर लो. इज इट मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, कॉमर्स या MSME? विच इज द आंसर? वॉट इज द आंसर? लासी, लस्सी वस्सी पीने मत चले जाना यहाँ पर, ठीक है. लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया की बात करें तो द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. एटलीस्ट अगर इसमें एक स्मार्ट तरीके से गेस करोगे तो इट इज समथिंग रिलेटेड टू एजिंग. द अर्थ साइंसेज का क्या काम है यहाँ पे? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का क्या काम है? MSME का क्या काम है? ऑप्शन ही काफी स्टूपिड से थे. द आंसर इज करेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. और इनके आपके यूनियन हेल्थ मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन. तो समबडी हु डिड नॉट हैव एनी आइडिया ऑफ दिस क्वेश्चन, या किसी को नहीं पता था कि ये कौन सी रिपोर्ट है, लासी है, लस्सी है, आई है, गई है, नहीं पता, जिसको नहीं पता था वो भी अगर इसको एक स्मार्ट तरीके से गेस करेगा तो उसका भी वो तुक्का सही हो सकता है, राइट? सो जस्ट डोंट लीव द क्वेश्चन कि यार ये तो पढ़ा ही नहीं है, छोड़ो इसको जान देते हैं. अरे थोड़ा दिमाग तो लगाओ, दिमाग लगाओ, थोड़ा घुटने में अपने जोर दो. ओके, नेक्स्ट, चलो ये देख लो. सो डॉक्टर हर्षवर्धन की हमने बात करी, लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया ये लेकर आए थे, एंड ही इज द यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. ओके, नेक्स्ट, विच हाई कोर्ट रिसेंटली रूल दैट एडवर्टीजमेंट ऑफ एनी आर्टिकल यूजिंग द नेम ऑफ एनी गॉड इज इलीगल? कौन सा हाई कोर्ट है जिसने ऐसा कहा कि एडवर्टीजमेंट ऑफ एनी आर्टिकल यूजिंग द नेम ऑफ एनी गॉड इज इलीगल? इट इज इलीगल. दो तीन ही लोगों को समझ आएगा, घुटने में जोर देना. विच कोर्ट इज दिस? द कोर्ट इज योर बॉम्बे हाई कोर्ट. बॉम्बे हाई कोर्ट मतलब औरंगाबाद बेंच जो थी आपकी बॉम्बे हाई कोर्ट की, दैट हैज डिक्लेयर दैट एडवर्टीजमेंट ऑफ एनी आर्टिकल यूजिंग द नेम ऑफ एनी गॉड वगैरह 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 फालतू का इज इलीगल. इट इज इलीगल कि आप किसी भी आर्टिकल के एडवर्टीजमेंट के लिए किसी भगवान का नाम यूज नहीं कर सकते. एंड स्पेशली आप वो तो कर ही नहीं सकते कि यू आर सेइंग
कैसे समझाऊं यार, कुछ होते हैं ना तांत्रिक वांत्रिक ऐसे ब्लैक मैजिक वगैरह की, यार ये कर लो ये तो हो जाएगा, सुपरनैचुरल एक्टिविटीज जो होती हैं उसको तो क्लेम कर ही नहीं सकते. दिस वाज सेड बाय बॉम्बे हाई कोर्ट. ओके, दिस वाज सेड बाय अ बॉम्बे हाई कोर्ट. नेक्स्ट नेक्स्ट इज धियां दी लोहड़ी एंड बसेरा. ओके, ये दो इन्वर्टेड कॉमास में है, इसको ध्यान से देखो. दे आर रिसेंटली लॉन्च्ड स्कीम्स. सबसे पहले तो ये स्कीम्स हैं. दीज आर द रिसेंटली लॉन्च स्कीम्स ऑफ विच इंडियन स्टेट. इज इट राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश या बिहार, बताएं. बताई जाए. द आंसर टू दिस इज, चलो तुम लोग आंसर देख लेती हूँ मैं पहले. हाँ राजा सिंह, तुक्का लगाने के लिए दिमाग लगाना जरूरी है. तुक्के के लिए ऐसे डाइस रोल करना इंपॉर्टेंट नहीं है. तुक्के के लिए ABCD, आज आज सी लेटर का दिन है, आज पूरे पेपर में सी आंसर लगा के आएंगे, ऐसा नहीं होता. तुक्के लगाने के लिए भी यहाँ पे जोर, घुटने में जोर देना पड़ेगा. चलो पूजा को हम लोग हेल्प करते हैं इस क्वेश्चन में, ये 18th क्वेश्चन में, क्योंकि पूजा हैज आंसर्ड राजस्थान. यार देखो नहीं पता ना, गेस वर्क. राजा और पूजा यहाँ पे सुनो, गेस वर्क की बात कर रहे हैं ये, दो स्कीम्स की बात करी. यहाँ पे कोई नाम आ रहा है समथिंग रिलेटेड टू लोहड़ी, नहीं पता इसके बारे में, कोई बात नहीं. लेकिन अगर यहाँ पे कुछ लोहड़ी रिलेटेड स्कीम आ रही है तो राजस्थान कैसे आंसर होगा? लोहड़ी कहाँ मनाई जाती है ज्यादातर, मैक्सिमम लोहड़ी को कहाँ मनाया जाता है? इट इज इन पंजाब. इट इज इन पंजाब. तो द आंसर बिकम्स पंजाब. चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब जो है, इट हैज ही हैज अनाउंस अनाउंस्ड सेवरल वेलफेयर स्कीम्स फॉर द स्टेट. ओके, और इनने जनवरी के महीने को डेडिकेट किया है टू द गर्ल चाइल्ड थ्रू धियां दी लोहड़ी प्रोग्राम. दिस इज इंपॉर्टेंट. और एक बसेरा स्कीम लेकर आए हैं फॉर स्लम ड्वेलर्स. ये स्लम ड्वेलर्स के लिए बसेरा, बसेरा मतलब रैन बसेरा टाइप का समझ लो, रहने वहने की जगह स्लम ड्वेलर्स के लिए. ओके, तो ये पंजाब हो गया इसका आंसर. ओके, दिस हैज बिकम पंजाब. द आंसर हैज बिकम पंजाब. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच स्टेट हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट, कंट्रीज ओके, कंट्रीज पहला सोलार इलेक्ट्रिक रोरो सर्विस. अब जिनको रोरो का फुल फॉर्म नहीं पता है, RORO, वो इसको क्राइंग सर्विस लेके बैठ जाएंगे कि सोलार पता नहीं क्या ही समझेंगे. स्टेट ने, कौन से स्टेट ने अनाउंस किया है पहला सोलार इलेक्ट्रिक RORO रोरो सर्विस? इज इट बंगाल, गुजरात, केरला और महाराष्ट्र? द आंसर टू दिस, द आंसर टू दिस इज केरला. वेरी गुड पूजा, प्राची एंड राजा, वेरी गुड. ओके, द आंसर इज केरला. सो कंट्री का पहला सोलर इलेक्ट्रिक RORO, इसका फुल फॉर्म देख लो, रोल ऑन रोल ऑफ सर्विस, विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन केरला. ही ऑल्सो अनाउंस कि स्टेट में एक फर्स्ट एम्फीबियस वाटर बस विल ऑल्सो बी लॉन्च. बताओ मुझे एम्फीबियस वाटर बस क्या होती है? चलो मुझे बताओ कि एम्फीबियस वाटर बस क्या होती है. अच्छा एम्फीबियस बता दो क्या होता है. एम्फीबियस इज समथिंग विच इज रिलेटेड, लाइक विच कैन लिव और सर्वाइव और मूव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर. ओके ओके, दिस इज योर एम्फीबियस. द नेक्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट एडिशन ऑफ नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल, पहला एडिशन ऑफ नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल वॉज हेल्ड इन विच ईयर? नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल. चलो काफी लोगों ने सही आंसर दिया था उसका एम्फीबियस का. नाउ टेल द आंसर ऑफ दिस 20th क्वेश्चन. फर्स्ट एडिशन ऑफ नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल वॉज हेल्ड इन विच ईयर? द आंसर इज 2019.
पहली नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल NYPF जिसे बोलते हैं, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 2019. दिस इज नॉट 2020 और 2021. अरे वाह, तुम तो 2015 में पहुंच गए. इज इट नॉट 2019? इतने कॉन्फिडेंटली तुम लोग 2015 बोल रहे हो. इट्स 2019. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन. ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर विच मिनिस्ट्री? सो माई रेगुलर स्टूडेंट्स हु वॉच माई क्लास रेगुलरली और जो क्लास को देख लेते हैं टाइमली बाद में, भले ही लाइव ना अटेंड करें, दे माइट बी नोइंग स्टैट्यूटरी क्या है. तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक और चीज देख लो कि BEE जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है. ये इसी क्वेश्चन से प्रूव हो गया, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी. तो फ्यूचर में अगर तुमसे पूछा जाता है कि BEE एक स्टैट्यूटरी बॉडी है कि नहीं है, ओके, तो ये भी तुम्हें ध्यान रखना है कि इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी. नाउ टेल मी कि BEE जो है ये स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर विच मिनिस्ट्री? इट इज अंडर विच मिनिस्ट्री? इट इज अंडर विच मिनिस्ट्री? दिस इज डेफिनेटली BEE की बात करी हमने, मिनिस्ट्री ऑफ पावर. यूनियन पावर मिनिस्ट्री इन पार्टनरशिप विद BEE हैज ऑर्गेनाइज्ड द 30th नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड. तो अभी यहाँ पे जो याद रखने की जरूरत है वो ये सिर्फ ये है कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है कौन? BEE. BEE का फुल फॉर्म ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशियंसी. तो एनर्जी एफिशियंसी है तो या तो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी होता या मिनिस्ट्री ऑफ पावर होता. तो हमें ये ध्यान रख लेना है कि इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर. मिनिस्ट्री ऑफ पावर BEE. BEE यानी कि मधुमक्खी जो है ना बहुत तेज से काटती है, बहुत पावर से काटती है, ऐसा समझ लो. तुम्हारी पूरी पावर लूज हो जाती है BEE के काटने से. कुछ भी इलॉजिकल ऐसे बस बनाओ और याद रखने की कोशिश करो. ओके, दैट्स इट. क्वेश्चन सही करना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन भरना इंपॉर्टेंट नहीं है. नेक्स्ट, इंजी अ सुमात्रन फीमेल. इंजी एक सुमात्रन फीमेल थी विच डाइड इन ओरिगोन जू. ये जू है, जून नहीं है, यूएस. यूएस में एक जू में. इट वॉज एन एनिमल ऑफ विच स्पीशीज? एलिफेंट थी इंजी, हिप्पोपोटमस थी, ओरैंगयूटान थी या जिराफ थी? इंजी कौन थी? इंजी कौन थी? इंजी वॉज एन ओरैंगयूटान. इंजी एक ओरैंगयूटान थी, 61 ईयर ओल्ड थी. तुम सबसे कितनी बड़ी थी इंजी, देखो. फीमेल सुमात्रन ओरैंगयूटान थी. इंजी को याद करो, ये देखो इंजी कितनी क्यूट है, 61 ईयर ओल्ड. लग रही है कहीं से 61 ईयर ओल्ड? 60 साल से भी ज्यादा, 1959 से 2021. दादी की उम्र की हो गई है तो. दादी मतलब समझ लो अब इंजी, ठीक है. इनजी को हमने याद कर लिया आज. नेक्स्ट, द रिसर्चर्स ऑफ डरहम यूनिवर्सिटी हैव डेवलप्ड अ सुपर कंप्यूटर. इनने डेवलप किया है एक सुपर कंप्यूटर सिम्युलेशन. सुपर कंप्यूटर का सिम्युलेशन डेवलप किया है टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ विच स्पेस बॉडी. किस स्पेस बॉडी? मून, मार्स, सन या अर्थ? किस स्पेस की बॉडी के फॉर्मेशन को इनने एक सुपर कंप्यूटर के सिम्युलेशन से डेवलप करके बताया है? आई जस्ट रेड शिवम का कॉमेंट एंड आई कैन स्टॉप लाफिंग. इंजी के लिए सेज ही सेइंग शैम्पू किया है उसने, कंडीशनर भी लगाया है उसने, ठीक है. देख लो उसको, इस उम्र में भी क्या जोश है उसका, शैम्पू करके लगा के बैठे और तुम लोग एक पेपर नहीं क्लियर कर पा रहे हो. द आंसर टू दिस इज मून. इसका आंसर है मून. इस सुपर कंप्यूटर सिम्युलेशन से इनने फॉर्मेशन ऑफ मून के बारे में बताया है. तो उनने ये बताया है कि द रिसर्चर्स ने क्या बताया है कि अर्थ कोलाइडेड विद मार्स लाइक प्लैनेट. एक मार्स लाइक प्लैनेट से अर्थ कोलाइड हुआ और उसके बाद कुछ टूटा. कुछ टूटा फूटा तो होगा, टकराने के बाद लड़ाई झगड़े तो होते हैं. कुछ टूटा, वो कुछ टूटा तो जो डेबरी बने उसमें जो डेबरी थे वो इकट्ठा हो के उनने एक ऐसा ग्रेट मास टाइप बना लिया और ये जो मास था दिस वॉज योर मून. तो मून के फॉर्मेशन की बात करी गई. ओके,
नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू स्टार स्ट्रीक एयर डिफेंस सिस्टम, STARSTREAK, स्टार स्ट्रीक एयर डिफेंस सिस्टम की बात कर रहे हैं हम. इंडिया हैज रिसेंटली टीम्ड अप विद विच कंट्री, इंडिया ने किसके साथ बोला है कि आज जा तू मेरा भाई है, स्टार स्ट्रीक एयर डिफेंस बनाएंगे अपन. विच कंट्री आर वी रेफरिंग टू, जर्मनी, इसराइल, जापान या यूनाइटेड किंगडम? क्या है आंसर स्टार स्ट्रीक एयर डिफेंस का? द आंसर टू स्टार स्ट्रीक एयर डिफेंस इज यूनाइटेड किंगडम. यूनाइटेड किंगडम, यूके को भाई बना लिया है इस चीज के लिए. ओके, इंडिया भारत डायनेमिक्स एंड ग्लोबल एरोस्पेस कंपनी थेल्स, ये यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि स्टार स्ट्रीक एयर डिफेंस की जब भी बात हो, स्टार स्ट्रीक एयर डिफेंस की जब भी बात हो, वी आर रेफरिंग टू यूनाइटेड किंगडम एंड इंडिया. ओके, वी हैव द लास्ट क्वेश्चन कमिंग अप. वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी 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 इजी क्वेश्चन. आर्मी डे हर साल कब मनाया जाता है? आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया ऑन विच डेट? इज इट 10 जनवरी, 13 जनवरी, 15 जनवरी और 17 जनवरी? वॉट इज इट? सागर, हाँ, आई आफ्टर द क्लास आई वेंट एंड चेक डॉन विद दैट. आई टॉक आफ्टर दिस दिस क्वेश्चन. ओके, सो 25th क्वेश्चन हमारा आर्मी डे की बात करता है. द आंसर टू दिस इज, द आंसर टू दिस इज करेक्टली, काफी लोगों ने सही जवाब दे दिया है. इट इज 15th of January. 15 जनवरी इज ऑब्जर्व एज आर्मी डे. इट इज ऑब्जर्व एवरी ईयर, हर साल मनाया मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है आर्मी डे आपका, इन द ऑनर ऑफ सोल्जर्स ऑफ द नेशन, जिनने अपनी लाइफ इतनी सैक्रिफाइस करी है और कंट्री को बचाने के लिए हर कोशिश करी है. ओके, एंड इट वॉज, ये इंपॉर्टेंट है कि आर्मी डे क्यों मनाया जाता है. इट वॉज ऑन दिस डेट, ये डेट थी 15 जनवरी की, जब इंडियन आर्मी गॉट इट्स फर्स्ट आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल KM करियप्पा. KM करियप्पा के बारे में अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज पढ़ लेना, ठीक है? मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने के लिए नहीं कह रही हूँ, मतलब कभी खाली बैठो एग्जाम के बाद, कुछ पढ़ने का मन हो इंटरेस्टिंग, तो इनके बारे में पढ़ना. ओके, सो दिस इज द रीजन कि 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है. नाउ कमिंग टू, देखो इंडियन आर्मी डे हो गया है 15th of January. नाउ कमिंग टू व्हाट सागर वाज सेइंग कि हाँ, हम लोग कल चक दे इंडिया डिस्कस कर रहे थे एंड आई वाज सेइंग कि प्रीति सब्रवाल ने बोला था कि प्रीति सब्रवाल फ्रॉम इंडिया. आई वॉच्ड इट, इट वॉज विद्या शर्मा. प्रीति सब्रवाल 10 राउंड लगा रही थी. आई अग्री, आई लूज यूर. ओके, बट एंड में आके यार फिर वो भी बोल देती है प्रीति सब्रवाल ने, बट ठीक है, गिव इट टू यू. ओके, प्राची सिंह, मैम इन लखनऊ कैन देयर इज वन स्ट्रीट नेम्ड आफ्टर हिम? तो अगर तुम लोग SSBs, CDS, VDS क्लियर करके, AFCAT वगैरह क्लियर करके अगर SSBs देने जाओगे, अगर SSB के जो बोर्ड्स होते हैं वो बोर्ड्स देखोगे, वहां पे तुम लोगों को करियप्पा, KM करियप्पा रिलेटेड काफी रोड्स, काफी तुमको वहां पे गेट्स वगैरह उनके नाम पे एक अलग से हॉल होगा, ये सारी चीजें यहाँ पे आर्मी रिलेटेड चीजों में आपको काफी KM करियप्पा रिलेटेड चीजें मिल जाएंगी. ओके, सो दिस इज वी, या ही वॉज द फर्स्ट फील्ड मार्शल. रोहित इज करेक्टली सेइंग ही वॉज, आपके जो KM करियप्पा थे, ही वॉज द फर्स्ट फील्ड मार्शल. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट. ही वॉज द फर्स्ट फील्ड मार्शल, फर्स्ट फील्ड मार्शल, इंडियाज फर्स्ट फील्ड मार्शल. ओके, नाउ आई होप यू ऑल, ठीक है, तो पूरा लेक्चर देखने के बाद डिसलाइक भी कर दिया, ठीक है, चलो कोई नहीं. जिन लोगों को पसंद आया वो प्लीज इसको लाइक कर दो एंड वी विल बी मीटिंग फॉर अनदर क्लास, समथिंग रिलेटेड टू मे बी साइंस, ह्यूमन बॉडी, कोई सा सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम हमने देख लिया है, नर्वस, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, कोई सा भी सिस्टम कवर कर लेंगे. मे बी उमंग सर विल ऑल्सो टेक अ क्लास. यू कैन, मतलब सर से कंफर्म करके आई लेट यू नो कि क्लास है कि नहीं, और है तो कितने बजे है. अपना टेलीग्राम चैनल देखते रहा करो, प्लीज कोशिश करो यार. हर इंसान भी अगर एक एक शेयर कर देता है या एक सब्सक्राइबर फॉर अ डे ले आता है, इट्स अ वेरी बिग थिंग, ठीक है? इतना थोड़ा सा तो थोड़ा बहुत तुम लोग कर ही सकते हो. दैट्स इट,
एंड आई होप यू ऑल लाइक्ड इट. विल मीट वेरी सून. तब तक मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो. मैं ग्रुप पे शाम को क्वेश्चंस डालूंगी. ओके, प्रैक्टिस दोज क्वेश्चंस. ट्राई टू टॉक लेस. आपस में बात कम करो, पढ़ाई ज्यादा करो. डोंट टॉक अ लॉट टू योर फ्रेंड्स. डोंट कीप कॉलिंग देम कि भाई कितना पढ़ लिया, क्या हो गया, मैं क्या पढ़ू, तू क्या पढ़ रहा है, ये सब नहीं. अपना काम करो, काम से काम करो, काम हो जाए जाके सो जाओ. दैट्स इट. ओके, देन आई मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू सो मच.